हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सिस्टर्स आर्ट में। आज हम बनाने वाले हैं फॉरेस्ट की पेंटिंग। तो उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, रेक्टेंगुलर पेपर और एक्रीलिक कलर। एक्रीलिक कलर में यहाँ पे हमें यूज़ किया है येलो, ग्रीन और ब्लैक। इसके अलावा हमें चाहिए ब्रश। ब्रश में फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश दोनों का यूज़ होगा। तो चलिए पेंटिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर में हम इस तरीके से पानी फैला लेंगे सभी तरफ। उसके बाद हमने यहाँ पे जो कलर यूज़ किया है वो ग्रीन और ब्लू दोनों को मिक्स करके बनाया है। तो देखिए ये कलर बनता है। आपके पास यदि ये कलर है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। पेपर के 1/3 में इस कलर को कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हम ग्रीन कलर को पेंट करेंगे। इस तरीके से ग्रीन कलर करते जाएंगे। हल्का सा एरिया ग्रीन करने के बाद हम थोड़ा उसमें वाइट मिक्स करते हुए ग्रीन कलर करते जाएंगे ताकि हमें पानी का इफेक्ट दिखाई दे। इस तरीके से हमें पेंट करना है। उसके बाद जहाँ पे हमने वाइट मिक्स करके ग्रीन किया है वहाँ पे हल्का हल्का बीच बीच में कहीं कहीं पे इस तरीके से ब्रश से ग्रीन करेंगे। इसे कंप्लीट करने के बाद ऊपर का जो बचा हुआ एरिया है उसमें भी हमें ग्रीन पेंट करना है। तो देखिए इस तरीके से पूरे एरिया को ग्रीन पेंट कर देना है। इसके ऊपर हम पेड़ बनाने वाले हैं तो यहाँ पे आपको कोई जगह खाली नहीं छोड़नी है, पूरे एरिया को पेंट कर देना है। ग्रीन करने के बाद इसमें हल्का येलो मिक्स करेंगे। डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन और येलो तीनों कलर का यहाँ पे मिक्सचर होगा। इसे पूरा करने के बाद नीचे का जो एरिया है वो काफ़ी लाइट दिखाई दे रहा है तो इसे हम थोड़ा और डार्क करेंगे। कलर सारे वही यूज़ होंगे जो पहले यूज़ हुए थे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और भी आर्ट ट्यूटोरियल्स के लिए। यदि आप हमारी पेंटिंग बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप किसी पेंटिंग की ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हैं तो आप हमें DM कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। यदि नाम की कैलीग्राफी कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। पेंट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके बाद हम इसमें बनाने वाले हैं ट्री। तो ऊपर का जो ग्रीन वाला एरिया है उसमें हम बहुत सारे पेड़ बनाने वाले हैं क्योंकि ये फॉरेस्ट की पेंटिंग है। तो इस तरीके से ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए हम सीधी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइंस खींचेंगे क्योंकि हमें बहुत सारे पेड़ बनाने हैं तो बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करनी है इस तरीके से। जब ये लाइंस कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम इसमें बनाएंगे ब्रांचेस। तो वह आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी बना सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर हम लीफ बनाएंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा और कहीं कहीं पे हल्का हल्का दिखाई देगा, इसलिए आप बिना फिकर के कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी स्किल की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर भी हल्के हल्के कहीं कहीं पे लाइंस बना देंगे, वो ब्रांचेस की तरह ही दिखेंगे। इसके बाद हम बनाएंगे नीचे में एक सिंगल पेड़ जो कि काफ़ी अच्छा दिखेगा बाद में कंप्लीट होने के बाद। ट्री बनाना बहुत ही आसान है। एक सिंगल लाइन ड्रॉ करिए और फिर उसमें ब्रांचेस बनाते जाइए। लाइन आपको सीधी नहीं खींचनी है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी खींचेंगे तो वो ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा और पेड़ की तरह दिखेगा। इसके बाद हमें लेना है ग्रीन कलर और ध्यान रखेंगे कि ये ग्रीन कलर ड्राई होना चाहिए, इसमें वाटर ऐड नहीं करेंगे तब ये लीफ का इफेक्ट दिखाएगा। इसे ब्रश से एकदम पेंट नहीं करना है, इसे हल्के हाथों से ऐसे टिप टिप करके पेपर पर टच करते जाना है। इसे सिर्फ ऊपर नहीं बनाना है, इसे नीचे तक लेकर के आना है। जो हमने ब्लैक ब्रांचेस बनाई हैं उसके ऊपर भी बनाएंगे तब ये लगेगा लीफ की तरह। ये देखिए इस तरीके से आपको करते जाना है। ग्रीन कलर करने के बाद इसमें हम येलो कलर और डार्क ग्रीन कलर दोनों यूज़ करेंगे। तो जिससे डार्क ग्रीन कलर है वो शेडो का इफेक्ट दिखाएगा और जो येलो कलर है वो लाइट इफेक्ट दिखाएगा, तो ये एक फॉरेस्ट की तरह दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें हम हल्का हल्का येलो कलर कहीं कहीं पे यूज़ कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा सभी तरफ सेम एकदम यूज़ नहीं करना है कलर को,
कहीं कहीं पे यूज़ करना है। जैसे ग्रीन कलर जहाँ पे शेडो दिखेगा वहाँ पे करना है, और येलो कलर ऊपर की तरफ जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे करना है, और जो नीचे एरिया है ट्री के नीचे वाला, वहाँ पे हम पानी का इफेक्ट दिखाने वाले हैं। सबसे पहले जो ट्री का नीचे वाला पॉइंट है, एंडिंग एरिया, उसको हम ग्रीन कलर से कवर कर देंगे। उसके बाद उसके नीचे वाला जो एरिया है उसको हम इस तरीके से पूरा पेंट कर देंगे ग्रीन कलर में, थोड़ा वाइट भी मिला लेंगे। अब हो गई है हमारी पेंटिंग कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद पेंटिंग का लुक कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, काफ़ी लुक अच्छा लुक आ रहा है। इसको फ्रेम कराने के बाद ये और भी खूबसूरत लगने लगेगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखें। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए हम कोई पेंटिंग ट्यूटोरियल बनाएं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।